जी हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सब लोग आज यहाँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, और ज़्यादा इंटू पा रहे हैं हम लोग इतने सारे लोगों के सामने। आई थिंक टीज़र प्रोमो सब लोग ने देखा ही होगा, एंड ऑलरेडी बहुत हाइप है क्योंकि आई हैव गॉट गुड रिस्पॉन्स जब से मैंने शेयर किया है। तो शमशान चंपा शिमारू उमंग पर 20 अगस्त से आने वाली है, एंड बहुत ही बेहतरीन कहानी, सुपर नेचुरल शो वंस अगेन विद अ बैंग। या विद अ बैंग तो मोनिका डेफिनेटली। से मैं वन क्वेश्चन, आपने पहले भी मतलब ऐसे किए, ये वाला जो सुपर नेचुरल आपका शो है बाकी से कैसे डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है क्योंकि गुल मैम करिश्मा मैम जब भी कोई शो लेके आते हैं वो सिमिलर होता ही नहीं है, और उनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जी हाँ, पहले भी मैं डायन के किरदार में थी, बट इस बार जो डायन है उसके पास बहुत डिफरेंट पावर्स है, शक्तियां और उसके पास इस बार हॉर्न्स भी है, आप देख सकते हैं, और इस बार तो ये हिप्नोटाइज भी कर सकती है। तो मतलब क्या करने वाली है लोगों के साथ, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। मतलब हम लोग तो अभी बस शूट कर ही रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एज़ यूजल बहुत ही डिफरेंट सुपर नेचुरल शो हम लोग ला रहे हैं। डिफरेंट होगा पहले से। मैम, बीइंग बंगाली, मैं भी आसाम से आती हूँ, कहाँ तक ये स्टीरियोटाइप है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, इज इट राइट और फैक्ट और मिथ? एक्चुअली आई डोंट नो, जब मुझे भी सब पूछते हैं आप तो बंगाल से हैं तो यू नो काला जादू एंड ऑल ये सब आपको पता होगा, बट मैं तो कभी फील नहीं किया है और ना ही कभी फील करना चाहूँगी। तो बट कुछ ना कुछ पावर होता होगा जिसके चलते ये, नहीं तो कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। अब बिलीव के ऊपर भी है, एंड मुझे लगता है अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम कितना पॉजिटिव है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कर्मा वो सारी चीज़ें हम ओवरकम करके हम कुछ भी फेस करने के लिए हम रेडी हैं। मैम, आपने तीन इंडस्ट्री में, भोजपुरी, हिंदी एंड बंगाली, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका? आई नो दिस इज टफ या क्वेश्चन। दिस इज टफ, बट मैं डेफिनेटली भोजपुरी इंडस्ट्री में जब से मैं आई हूँ उसके बाद से, मैंने 125 फिल्में करने के बाद फिर आई गॉट यू नो बिग बॉस से कॉल, मुझे भोजपुरी एज अ भोजपुरी सुपरस्टार ही मुझे बुलाया गया है। तो डेफिनेटली भोजपुरी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। वहाँ का जो जितना प्यार वहाँ से मुझे मिला है, उसके बाद ही धीरे 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 फिर मैं टेलीविजन में आई, और फिर रीजनल जोन से यू नो पूरे भारत में एंड फिर अब्रॉड में भी हर जगह पे यू नो पॉपुलैरिटी मिला। तो भोजपुरी बेस डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।